तो डॉक्टर बतूल हमें आज बालों के लिए स्पेशली तो मैं चाहूँगी ग्लॉस दो, क्योंकि जब इतने महंगे महंगे जाके बालों में हेयर ग्लॉसिंग करा रहे होते हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट भी करवानी हो तो जो घर में हम अंडे दही से भी कर सकते हैं, अगर बाहर निकलें तो वो 1000-2000 अगर अच्छी अच्छे प्रोडक्ट का करें, तब की बात कर रही हूँ मैं। और बालों के साथ प्लीज़ कभी एक्सपेरिमेंट मत किया करें, ये बाल चले गए तो पर्सनैलिटी सिफर हो जाती है जी। अच्छा ये मैं ओह मेरे पास भी आपके करीब थोड़ा सा पानी लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी, दो टेबल स्पून ठीक है, उसमें हम दो डालेंगे गोलियाँ डिस्प्रीन की। अच्छा डिस्प्रीन की गोलियाँ, आप सोचेंगे कि क्या होगा, ये बालों ग्लॉस बन रहा है, बालों के सर में दर्द तो नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा, तो ठीक हो जाएगा बिल्कुल ठीक है। ये घुलना शुरू हो गई, फिर ये एक सिरप आता है जिंक का, बच्चों के लिए डायरिया में यूज होता है, इसका हम एक चम्मच लेंगे ठीक है। इमीडिएटली जो है वो हेयर शाइन भी आती है, ग्लो भी आता है, बस ये दो चीजें हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे अंडे की सफेदी, अंडे की सफेदी से बिल्कुल ठीक है। चाहिए देखें ये जो है मैं घर से लेकर आई हूँ, और ये इनकी खूबी है कि ये जो है जो सप्लायर हैं ये फीड करवाते हैं नेचुरल चीज़ों पे। ओके ठीक है, तो ये जब आप लगाते हैं एग बिल्कुल मैंने कहा प्रॉब्लम होगी फबिया को या किसी उसको मंगवाने के लिए, तो मैं लेकर आ गई, क्योंकि पानी के अंदर दो डिस्प्रिन की गोलियां, इसको पीना नहीं है बल्कि इसके अंदर बच्चों को कॉफ सिरप है वो डालना, जिंक कॉफ सिरप नहीं है ये, बेसिकली जिंक एट उड़ी के डायरिया के लिए यूज होता है, डायरिया का जिंक एक सिरप है वो, और हमने साथ में अंडे की सफेदी। अच्छा ये उन लोगों के लिए हो गया जिनके नॉर्मल से लेकर ऑयली हेयर हैं, ये सिर्फ ये तीन चीजें लगाएंगे ठीक है। जिनके बहुत ज्यादा ओवर ड्राई बाल होते हैं या जो हमारी तरह जो है वो रोजाना हेयर ड्राई, बालों को फायदा क्या होगा? फायदा ये होता है कि जो स्प्लिट एंड हो जाते हैं ना वो तेजी से जुड़ जाते हैं, सिल्कीनेस देता है। आप लगा कर देखिए, बिल्कुल आधे घंटे के अंदर आपको रिजल्ट ना आए रिबॉन्डिंग वाला तो कहिएगा। हाफ एन आवर के बाद इसको जस्ट पानी से वॉश करना होता है, आप स्मेल देख लीजिए, अगर इसमें से कोई स्मेल आपको खराब आ रही हो, इसको शैम्पू करने की नीड नहीं है, सिर्फ पानी से आप वॉश कर लीजिए, जड़ से लेकर नीचे तक के आपने टिप्स तक के लगाना है, हाफ एन आवर रखना है, आपने वॉश कर लेना है। वीकेंड पे ट्राई करूंगी। और ये जिंक इससे आपकी लेंथ बढ़ेगी बालों की, इससे बाल आपका मोटा होगा, इससे आपका बाल सिल्की होंगे, आपकी ड्राई एंड डैमेज कंडीशन खत्म हो जाएगी। हार्डली जो है ये 20-25 रुपीज में जो है रेडी हो जाएगा बालों की, ठीक है। इट्स अ वेरी चीप सिरप, बिल्कुल बहुत ही हल्का सा वो है, और डिस्प्रिन की गोली बहुत सस्ती से मिल जाती है, और एक अंडा की कीमत आपको पता है ठीक है। अच्छा अब हम ये कह रहे थे ये जो है मायनीज है बेसिकली ठीक है, इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी मिलाई है, चीनी मिलाई ठीक है, जिनके बहुत एक्स्ट्रा ड्राई हो वो दो चम्मच जो है वो चीनी मिलाकर जो है इसमें मिक्स कर लें, और फिर जो है वो वॉश कर लें ठीक है, फिर बालों में स्मूथनेस आ जाएगी, स्मूथनेस आ जाती है। जिनके बहुत एक्स्ट्रा ड्राई होते हैं ना, जिनको जो तो हेराइड के पेशेंट होते हैं इस तरह, तो उनके बहुत एक्स्ट्रा ड्राई होते हैं, और जिनके जो है वो रोजाना जो है आयरनिंग करने से या हेयर ड्रायर करने से जो है वो ड्राई हो रहे हैं, या कोई जो है केमिकल ट्रीटमेंट लिया, उनके लिए सिर्फ ये तीन चीज़ें बेहतरीन है बस। क्या बात है, जबरदस्त। और यूज करके जरूर देखिएगा, बहुत बहुत ट्राई करूंगी वीकेंड पे। अच्छा अब इसके बाद हम जो है वो एक मैं मास्क बता रही हूँ जी जी, जो जो है बेसिकली बेहतरीन है उनके लिए जिनको झाइयाँ ठीक है, और जो अपना स्मूथ एक फेस करना चाहते हैं। गौर से सुन ले क्योंकि सब खवातीन झाइयों के बारे में बंदे भी पूछ रहे हैं। केला जो है वो हर मौसम में होता है बिल्कुल ठीक है, आजकल थोड़ा इलाज के लिए हर मौसम में केला खा लीजिए ठीक है, क्योंकि इसमें विटामिन के होता है, तो विटामिन के न्यू रिसर्च के मुताबिक जो है वो बेस्ट होता है, चाहे तो इसके ऊपर भी लगाकर आप जस्ट इस तरह रब कर सकते हैं, और मैं जो है इसका अंदर का पार्ट वो यूं निकाल ले लूं ठीक है। इसमें विटामिन के की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, और केला बच्चों को खिला दीजिए, खुद खा लीजिए, और चाहिए तो थोड़ा सा ले लीजिए ठीक है। इसको हमने इस तरह मैश कर लिया हल्का सा, इसमें हम डालेंगे विटामिन ए की क्रीम बिल्कुल मटर के दाने के जितनी ठीक है, ये क्रीम है बहुत सस्ती से मिल जाती है। और ये क्रीम कौन सी है जी? स्किन ए क्रीम ठीक है, बिल्कुल मटर के इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा, मटर के दाने से ज़्यादा नहीं, मटर के दाने से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, स्किन ए क्रीम ठीक है। दो घंटे इसका अच्छा मसाज करके रखें, क्योंकि जो विटामिन के जो है केले में जो मौजूद होता है वो आपकी झाइयों को ऊपर लाकर जो है वो ख़त्म करता है। ये सोडा है ठीक है, बिल्कुल एक चोटी मीठा सोडा ठीक है, मीठा सोडा ठीक है, हमने शामिल किया इसमें, बस ये तीन चीज़ें हैं, दैट्स इट, आपका मास्क रेडी है। चाहे तो बस बिल्कुल अगर ओवर ड्राई स्किन है थोड़ा सा पानी शामिल कर लीजिए, या फिर हमने इसमें हनी ऐड कर सकते हैं, हनी वो जिनकी जिनकी बहुत ओवर ड्राई स्किन है
ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये केला इट्सेल्फ जो है मॉइस्चराइजर का काम करता है। हमने केला, हमने इसकी जो बिल्कुल जिसे विटामिन, बिल्कुल विटामिन के अंदर का छिलके का जो पार्ट है ना, ये एक्चुअल है, ये चाहे तो आप यहाँ पर गर्दन पर जिनकी काली हो रही हो, जस्ट इसके ऊपर एक सोडा एक चुटकी जो है वो फैला कर रख दीजिए, इसको फ्रीज कर दीजिए। अच्छा ठीक है, लड़कियाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रही होती हैं, आए गर्दन पर अच्छी तरह रब करें, नकल्स पर रब करें, यहाँ पर रब करें, आधे घंटे के बाद जो है वॉश कर लें, सारी ब्लैकनेस जो है वो खत्म कर दें। ठीक, अच्छा कुछ ऐसी रेसिपीज होती है सुन के मज़ा भी आता है, तो ये उनमें से है। बेसिस होती है बेसिकली, आप क्या, आप जैसे ये बताया विटामिन के, रेजिस्टेंट झाइयाँ जिनके हो रही हैं आजकल, रेजिस्टेंट क्यों, हर दूसरी तीसरी लड़की ने जो है वो फार्मूला क्रीम लगाई हुई होती है, उसकी वजह से झाइयों का जो है वो सब लगाते हैं, ऑलमोस्ट सब भी लगा रहे होते हैं। ठीक है, अब जो है वो एक जो कॉज था ना इसकी, जो प्रेगनेंसी में हो रही है, आफ्टर डिलीवरी हो रही है, वो तो रीज़न है, वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन वो कभी ना कभी किसी ना किसी जो दौर में जो है, चाहे वो कॉलेज लाइफ हो, यूनिवर्सिटी लाइफ हो, आपने वो यूज़ की भी होती है। ठीक है, और अब आजकल जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो क्लोरीन का इशू है, लोग वाटर पार्क जा रहे हैं, छुट्टियों से आए हुए हैं, पूरे पूरे जले हुए चेहरों के साथ जो है वो आ रहे होते हैं, उसके लिए ये बेहतरीन मास्क है कि अगर आपको अपनी टैनिंग जो है वो उतारनी है, क्योंकि जब झाइयाँ साफ कर रहा है तो वो टैनिंग जो है हर दो घंटे पे ये मास्क लगाइए दिन में, जिनके टैनिंग हुई है जो वाटर पार्क से होकर आए, बिल्कुल जो है वो रात गए तक के पूरी आपकी नेचुरल स्किन आ चुकी होगी।